Harshvardhan, congratulations and heartfelt. Harshvardhan, we are here gathered. हम लोग इंद्रनगर एंड आलमबाग ब्रांच से हैं. And you all know the faculty, everyone. So anyway, how is the weather so far? Nice, good. So, you are in Lucknow for how many days? Three days. Okay. And when is your final reporting there? 22nd July. I said, हाँ तो चलो ठीक है. So, have you met everyone? Your family, friends? So, any party shadi? बुलाया नहीं? Khair, anyway. Okay. All right. So, Harshvardhan, we would like to first of all give you thanks and also God bless you in your future endeavors. And once again, from the whole of Pathfinder, we wish you all the very best for future. Second, when it comes to Pathfinder, to thoda sa kuch, would you like to share anything? अच्छा ऑल राइट इन जनरल अगर कुछ टच एंड गो करके कुछ कहना चाहो इट इज वन ऑफ द एकेडमी जिन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया बिकॉज़ लाइक डे वन रिपोर्टिंग की मेरी एंड डे वन रिपोर्टिंग थी मेरी और मैं सूरज सर से मिलता हूँ सर okay. और वो पहला क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि वेयर इज एनडीए अच्छा और मुझे ये भी नहीं पता था एनडीए कहाँ है ओके एंड मैं डिफेंस की तैयारी करने आया था और मुझे जाना था एयरफोर्स में कुछ नहीं पता था सर मुझे वहां से लेके आज तक का सफर सर पाथफाइंडर हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बहुत अच्छे दोस्त मिले स्पेशली मैं अनूप सर और अतुल सर को मतलब थैंकफुल बोलना चाहूंगा सर क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरे रिटर्न प्रिपरेशन में स्पेशली बहुत हेल्प किया सो थैंक यू सो मच एंड हमारे सर तो हैं ही सर परफेक्ट नाइस गुड है सो एनीवे सो Candidates, any doubt, any question you would like to ask? Podium, sir. All right. Okay. So we'll give you all time. So anyway, so go back. All right. Chale, okay. So welcome everyone. Harshvardhan. So hello guys, excited? Yes, sir. सर नहीं यार भाई अभी सर नहीं हुआ हूँ भाई तो जोश कैसा है हाई yes, सर इस बैच में बच्चे खाना नहीं खाते क्या खाते लग रहा है हम लोग को बहुत जोश टाइप बैच था यार ठीक से बोलो तेज बोलो जोश कैसा है हाई ये लगा यार जोश टाइप चलो तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं तो सब लोग जानते हैं मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें मेरा रिकमेंडेशन हुआ है सबसे पहली चीज मेरा एजुकेशन कहाँ से हुआ ये सब बता देता हूँ शॉर्ट में सो आई एम फ्रॉम वजीरगंज गोंडा एक गोंडा डिस्ट्रिक्ट है शायद तुम लोग को पता हो यहाँ से थोड़ी सी दूर 120 किलोमीटर वहाँ से एक छोटा सा टाउन है वजीरगंज वहाँ से मैं हूँ और मैंने अपना एजुकेशन एम्स इंटरनेशनल स्कूल से किया है एंड देन अभी मैं परसुइंग हूँ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फ्रॉम नंदिनी नगर एजुकेशनल शायद तुम लोगों ने सुना हो कोई नंदिनी नगर से है अभी जानते होंगे लोग क्यों ब्रिजभूषण शरण सिंह का कॉलेज है काफी बदनाम कॉलेज है तो मैं बता देता हूँ तो वहाँ से हूँ मैं और मेरा लास्ट ईयर है ठीक है तो अपियरिंग स्टूडेंट था और रिकमेंड हुआ हूँ ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सीडीएस का पहला अटेम्प्ट था दो एनडीए के भी अटेम्प्ट्स मैं दे चुका हूँ 147 कोर्स एंड 148 कोर्स और दोनों में कॉन्जिक्यूटिव स्क्रीन आउट हुआ था
देन ये मेरा पहला अटेम्प्ट था सीडीएस का, जिसमें 32 एसएसबी जालंधर पे मेरी रिपोर्टिंग हुई थी और 20th ऑफ जनवरी को, और मैं रिकमेंड होता हूँ वहाँ से, ठीक है। अब मैं अपनी थोड़ी सी रिटर्न जर्नी के बारे में शेयर करूँगा। पहले बताऊँ आप लोग का क्या क्या डाउट है, थोड़ा बहुत बता दो किस पर्सपेक्टिव में मैं अपना सेशन लेके चलूँ, जिससे सभी लोगों का एक ओपन डाउट सेशन भी हो जाए, कंप्लीट हो जाए और सबके सॉल्यूशंस भी हो जाए, मतलब क्या क्या जानना चाहते हो। हाँ रूटीन, ओके ओके रूटीन, देन ऑलराइट वेरी गुड स्ट्रेटजी, यही सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिटर्न की बात करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न से पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। फौज में आप लोगों को पता होगा पिछली बार जो कट ऑफ गई है एनडीए की वो 292 गई है, बहुत कम गई है, राइट। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि 292 कट ऑफ गई है, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं होता हम लोगों को ये चीज़। मैथ्स का पेपर होता है 300 नंबर का, जीटी का पेपर होता है 600 नंबर का, 900 में 292 कट ऑफ, इतनी कम, फिर भी बच्चे क्यों नहीं निकाल पाते। एनडीए में सिलेक्शन उसका होता है रिटर्न में जिसको ये पता हो कि छोड़ना कैसे, ठीक है। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, हम लोग क्या करते हैं पहला क्वेश्चन देखा अटेम्प्ट करने लग गए, सेकंड क्वेश्चन देखा अटेम्प्ट करने लग गए, ऐसा नहीं करता था मैं। कैसे करता था मैं, पहला एक पेज देखा, एक राउंड लिया पूरे पेपर का, पूरा पेपर मैंने देखा, ठीक है। उसमें मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, उसको सॉल्व करूंगा, फिर मैं उन क्वेश्चंस को करूंगा जो मुझे लगता है मेरे से सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस को मैं क्रॉस कर दूंगा कि मुझे आते ही नहीं। और कोई गलत है भाई, 60 क्वेश्चन कर लोगे ना आप बड़े आराम से 150 नंबर पा जाओगे अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है मैथ्स में। और इस समय तो शायद 40 या मतलब अभी रिसेंटली 77 के टॉप गई थी मैथ्स की, ठीक है। तो बहुत इजी एग्जाम है, आप लोग इसको बहुत ज़्यादा हौच पौच लेके मत चलो। टीचर्स हैं, गाइडेंस आपको देते रहेंगे हमेशा हर चीज़ के लिए, तो टीचर से अप्रोच करना, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज मैं अपना स्ट्रेटजी बताता हूँ। सबसे पहले आती है मैथ्स की बात। तो मैथ्स अतुल सर पढ़ा रहे हैं, अतुल सर से मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन सिर्फ कोचिंग के कंटेंट पे आप रिलाई नहीं कर सकते। मैंने नहीं किया था, मैंने अलग से भी चीज़ें की थी। फॉर एग्जांपल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा रिलाई करता था, मैं आता था एकेडमी, क्वेश्चंस मुझे मिले, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं करूँगा, बट घर पे जाने के बाद टेक्स्ट बुक एक ऐप होता है डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता था। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मेरी स्पीड बढ़ी। सबसे पहली चीज़ स्पीड इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, स्पीड बढ़ी। दूसरी एक्यूरेसी बढ़ी, और वहाँ पर जाके मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि टाइमली मैं क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ या नहीं। कोचिंग में टेस्ट होते रहते होंगे संडेज को, ठीक है। कितने लोग चीटिंग करते हो पहले ये बताओ, टेस्ट में कितने लोग चीटिंग करते हो? हाँ सब करते होंगे, मुझे पता है भाई। यहाँ पे जब हम लोग टेस्ट देते थे सिर्फ दो बंदे चीटिंग नहीं करते थे, मैं और जसवंत पटेल, अभी आया था मेरे साथ, सिर्फ दो बंदों का उस टाइम क्लियर हुआ था एनडीए। चीटिंग मत करना, फेल हो रहे हो पास हो रहे हो मैटर नहीं करता, चीटिंग मत करो, ठीक है। तो हाँ एनडीए की रिटर्न की बात हम कर रहे थे मैथ्स की। तो सबसे पहली चीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़ो, कोई मैथ्स बैकग्राउंड का होगा, कोई मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि भाई सबको एग्जाम निकालना है, सबको फौज में ऑफिसर बनना है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये जानना है कि हमको हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो हम अगर 70-80 नंबर भी ले आएंगे मैथ्स में तो हम जी ए टी में अच्छा कर देंगे, क्योंकि हमें तो कट ऑफ क्लियर करना है एक्चुअली, हमें रैंक थोड़ी ना लानी है। AIR 1 और AIR 400 सेम ट्रीटमेंट मिलती है, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलती, समझ रहे हो ना। yes. तो हमें तो सिलेक्शन चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। तो हमारा जो मैथ्स का है उसमें आप कम फोकस करो, उन पॉइंट पे फोकस करो जो सर बताएं कि ये इजी पॉइंट्स हैं, ये आराम से नंबर देंगे तुम्हें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग लगाओगे तो आपको एक इजीली आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। क्योंकि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते ही नहीं, हम खाली क्वेश्चन सर जो बताए वो सॉल्व कर लिया हो गया, क्योंकि टाइमली हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया कभी, ठीक है। फिर आता है GAT का। GAT में इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको मैं बता दूं, मैंने दो बार NDA दिया है, दोनों बार क्वालिफाई किया है, मैंने GS में कुछ नहीं लगाया आज तक, मेरा GS बहुत वीक था। इवन CDS में मैं 22 नंबर लाया था, सिर्फ 100 में 22 नंबर, ठीक है। मेरा स्ट्रांग क्या पॉइंट था, मैथ्स और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। इन दोनों की वजह से मैं हमेशा क्वालिफाई कर रहा था। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब रहती है वोकैब की बात। सबसे पहले वोकैब आता है इंग्लिश में, तो वोकैब तो सर बैठे हैं भाई, उनसे अच्छा वोकैब कोई नहीं पढ़ा सकता। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली CDS वाले बच्चे कितने पहले ये बताएं, जिन लोगों ने लास्ट CDS दिया था वो कौन कौन था, फॉरेन वर्ड्स आए थे, ठीक है, हाँ फ्रेंच एंड ग्रीक वर्ड आए थे, इन सब पे फोकस करना है। अब UPSC बड़ा अजीब टाइप के क्वेश्चंस पूछने लग गया है,
तो ब्लैक बुक एक करके बुक है, सर का तो पढ़ना ही है, साथ में एक ब्लैक बुक आती है उसको फॉलो करो, जो सर पढ़ाए पढ़ा, रिविजन किया मल्टीपल टाइम और गए पेपर देने। अब एक चीज देखना, CDS में उनका भी सिलेक्शन नहीं होता जो क्रैम करके जाते हैं, रट के नहीं जाना हमें, हमें एलिमिनेशन टेक्निक सीखनी होती, क्योंकि एक पोटेंशियल बंदे का इतना माइंड होता ही नहीं है कि वो 1000 वर्ड 2000 वर्ड याद कर ले। मेरे तो नहीं थे, मेरे को 500 से 600 वर्ड याद थे, उसमें मैं एलिमिनेशन खेलता था, यार सेंटेंस पढ़ रहा हूँ इसका वर्ड का मीनिंग निगेटिव लग रहा है, वर्ड में जिसका भी मीनिंग निगेटिव होगा वही आंसर होगा, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, सर सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप जब करोगे ना तो आपके स्कोर अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। फिर आता है क्लोज टेस्ट आते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में, और P1 P6 आता है, S1 S6 बोलते हैं जिसे, ठीक है, और PQRS आता है जिसे पैरा जम्बल्ड बोलते हैं। इन सब की खूब प्रैक्टिस करो आपको, क्योंकि इससे आपके स्कोर बहुत बूस्ट होंगे और सर कराते ही होंगे आई होप। तो जब इन सबको प्रैक्टिस करते रहो, जो आपके सॉल्यूशन घर पे भी जाके प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसको आके सर से पूछो कि सर ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो रहा। मेरे टाइम पे अनूप सर थे, उन्होंने मेरे को बहुत पढ़ाया था इन सब चीज़ों के बारे में, और इसीलिए मैं बताता हूँ, मेरे इंग्लिश में मैंने 48 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 45 से, विश्वास हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर होता है 48 में 45, ठीक है। थैंक यू। तो ये NDA के टाइम पे था, CDS के टाइम पे मैं खुद से पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो NDA में बस यही इतना रखना कि साइंस 9th 10th NCERT पूरी पढ़नी है, बाकी तुषार सर हैं नहीं आए अभी, तो तुषार सर के जो नोट्स थे भाई बहुत अच्छे नोट्स होते हैं, उनका फॉलो करना। फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है अभी? सोनू सर। सोनू सर ने जो भी नोट्स बनवाए हैं उसको फॉलो करना है अच्छे से, प्लस 9th 10th NCERT। एंड एक चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी, क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको नहीं भूलना, क्योंकि उससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा लेवल कहाँ है। और हम अभी गए, फॉर एग्जाम्पल हमको पढ़ाया गया वर्क टाइम एनर्जी चैप्टर है 9th का, 9th या 10th का है, हमको पढ़ाया गया। अब मैं कैसे पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? सर तो पढ़ा दिया, मैंने पढ़ लिया, अब मुझे पता ही नहीं क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाएंगे, हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हमने की थी। और भाई GS मेरा थोड़ा सा वीक था, तो GS पे आई विल नॉट कमेंट, सर विल टेल, ठीक है। तो GS हमेशा से मेरा डमाडोल रहता तो मैं करंट अफेयर्स करके चला जाता था, ठीक है। बट स्टिल आप अगर GS में करना भी चाहते हो तो ज्योग्राफी फंडामेंटल जो होती है क्लास 11th की, प्लस हमारे सर के नोट्स, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अब रूटीन के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो वो हम थोड़ा सा SSB ओरिएंटेड बात करेंगे, ठीक है। SSB किन लोगों की लगी है? किसी की लगी है अभी SSB? कहाँ है? अलाहाबाद। किस चीज़ की लगी है? और FCAT की। और SSB किस चीज़ की है? AFS। ओके, आपकी किस चीज़ की? NCC स्पेशल है। और किसकी थी? थोड़ा सा तेज बोलो। 34 SSB किस चीज की? NDA। और कब है तुम्हारी SSB? ठीक, कॉन्फ्रेंस आउट में स्क्रीन आउट क्या होगा? स्क्रीन आउट, चलो मैं भी डोंट वरी, हो जाओ। तो सबसे पहली चीज, SSB ओरिएंटेड बात करने से पहले दो तीन लोग बताओ, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस? किसी को पता है क्यों ज्वाइन करना है फौज? क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है दिमाग में कि फौज क्यों ज्वाइन करनी है, है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज, बहुत लोगों को अभी ये पता भी नहीं होगा कि हमें फौज क्यों ज्वाइन करनी है, और वो बिना कुछ खास प्रिपरेशन के वो SSB देने चले जाते हैं, ठीक है। मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी, मुझे पता भी नहीं था उस टाइम पे क्या होता है कैसे होता है। आप लोगों में से आपको ये पता भी नहीं होगा आपकी ट्रेनिंग अकेडमीज कहाँ है, एयरफोर्स अकेडमी कहाँ है? ढूंढीगर। चलो ठीक है, तो ऐसे मतलब सब कुछ पता होना चाहिए आपको, रैंक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, रोल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग को नहीं पता है, मेक श्योर आप घर पे जाओ इसका देखो, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के बारे में पता होना चाहिए, बहुत जोश आता है इन लोग के बारे में पढ़ के, तो फिर लगेगा कि भाई फौज में जाना क्यों है, ठीक है। खेतरपाल स्क्वायर के बारे में पता है, ये NDA और IMA दोनों जगह है जहाँ पे ड्रिल स्क्वायर मतलब टेस्ट होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जानोगे तो आपको अपने आप मोटिवेशन आएगा। सबसे पहली चीज, हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस, इसके बिना कुछ आगे चीजें नहीं बढ़ सकती, ठीक है। फिर आता है हमारा SSB। अब SSB के बारे में हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, तो मेरे SSB में 80 लोग 80 लोग रिपोर्ट किए थे, आउट ऑफ विच 13 वर प्रीवियसली रिकमेंडेड। प्रीवियसली रिकमेंडेड जानते हो आप, जो पहले से रिकमेंड हो चुके, जिनको ये चेस्ट नंबर पहले से मिल चुका है,
वो कोई मेरिट आउट हुआ होगा, कोई मेडिकली अनफिट हुआ होगा, किसी को शॉर्ट सर्विस कमीशन मिल रहा था तो वो परमानेंट कमीशन चाहता होगा, समझ रहे हो? तो 13 प्रीवियसली रिकमेंडेड आए थे। अब एज अ स्क्रीन आउट मैं तो डर गया, भाई 13 तो प्रीवियसली रिकमेंडेड आ रहे हैं, भाई इनके पास तो पहले ही वो क्वालिटीज हैं जो एक एसएसआर चेक करता है, मैं कैसे रिकमेंड होऊंगा? एज अ नॉर्मल बंदा यही सोचेगा, सब लोग यही सोचेंगे। लेकिन फिर आता है अपने प्रिपरेशन पे भरोसा। आपने दिन रात जग के प्रिपरेशन की होगी अपने एसएसबी के लिए, अपने रिटर्न के लिए, ठीक है, उस पर भरोसा रखिए। अब हम बताते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो जब मैं यहाँ पे आया था बहुत सैवी लुक में रहता था, ठीक है, मतलब होता ना कुछ ठीक से बोल भी नहीं पाना, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब थी। एग्जाम्पल है सर, जीडी में मैं बोल नहीं पाता था, यहाँ पे राउंड टाइप का बना देते सर, और मैं जीडी में नहीं बोल पाता था, लेक्चरेट होता तो मैं डरता था कि सर अभी बुला लें, और बहुत सारी चीज थी जो मेरे अंदर कमी थी, सब सुधारी। तो मिरर प्रैक्टिस स्टार्ट करें जिसकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, आपको टाइम लगेगा, एक दो दिन का काम नहीं है ये, इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 months आपको कॉन्फिडेंस आने में, अपनी नज़र में देख के बोले, ठीक है। अपने एक 5-6 मेंबर्स का ग्रुप बना ले टेलीग्राम पे, या फिर आप लोग के पास कोचिंग है, एक ऑफलाइन कोचिंग है, उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 5 लोग 6 लोग जाएं, हॉस्टल में ही रहते होंगे आप लोग मोस्टली, जाएं वहां पे जाके एक दूसरे के साथ बैठें, उनसे बातें करें इंग्लिश में, हिंदी बोलना ही नहीं है, कुछ भी बोलना है, मतलब इंग्लिश टूटी फूटी भी बोल रहे हो ना आप, हो जाएगी इम्प्रूव। मेरे को नहीं आती थी अच्छी बोलनी भाई, मेरा एक पाथफाइंडर पे वीडियो भी पड़ा है, थोड़ा सा अपनी ही चीजें रिवील कर रहा हूँ मैं। 2 साल पहले मेरा एनडीए रिटर्न क्वालिफाई होता है और पाथफाइंडर पे एक वीडियो पड़ी है जिसमें सर ने कहा था कि एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मैंने कर दी। तो सर ने कहा कि इंग्लिश में थोड़ी चीजें बोल देना, तो मैंने कहा सर नहीं बोल पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, लैपटॉप रखा इस पे और उस पे एक चिट चिपका दी, और मैं वो पढ़ के बोल रहा था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं सबके सामने इंग्लिश बोल सकूं, आप लोग के सामने बोल रहा हूँ ठीक ठाक। उस टाइम एक सर बैठे थे, उनके सामने नहीं बोल पा रहा, ठीक है। वहां से यहाँ तक का इंप्रूवमेंट, इट विल टेक टाइम, लंबा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। और ये पाथफाइंडर एकेडमी पे ही पढ़ी है वीडियो, सर पढ़ी है ना सर, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर आता है हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में रिपोर्टिंग अच्छी खासी होती है, कितनी रिपोर्टिंग थी, 134। जितनी भी रिपोर्टिंग होती है आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, 3 चीज, OIR, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और एक अच्छा साइक। साइक कैसे बनता है, स्टोरी कैसे लिखनी होती है, ये आप कोचिंग में अगर कोई असेसर होगा तो ऑब्वियसली बताएगा, ठीक है। आपको स्टोरी बहुत अच्छी लिखनी होती है क्योंकि वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और आप कैसे स्टार्ट करोगे, जेंटलमैन फ्रॉम द पिक्चर शोन आई हैव परसीव इतना कैरेक्टर मेल और फीमेल इन पॉजिटिव मोड एंड एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज दिस। स्टार्ट अच्छा हुआ, मोमेंटम बनेगा कंप्लीट अच्छी करोगे, समझ रहे हो आप। तो सबसे पहली चीज़ मोमेंटम पे काम करो। तो हम लोग क्या करते थे, 5 लोगों का ग्रुप बनाए थे जिसमें 3 NDA में चले गए, अभी मैं IIM रिकमेंड हो गया, 1 Navy रिकमेंड हो गया, 5 के 5 बंदे रिकमेंड हो गए एक इसी कोर्स में। तो सिंपल सा फंडा है कि हमें एक ग्रुप बनाना है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस करनी है। एक पिक्चर दिखाई 30 सेकंड के लिए, उस पर स्टोरी बनाओ, टाइम लगेगा, अच्छी स्टोरीज नहीं बनेंगी, प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड स्टोरीज बनाओगे, लेकिन विद टाइम थोड़ी बहुत फेलियर के साथ यू विल लर्न, ठीक है। फेलियर में SSB की फेलियर के बारे में नहीं बोल रहा, ऑब्वियसली फेलियर इन द एकेडमी, यहाँ पे सिखाते होंगे, तो वो धीरे धीरे तुम्हारी स्टोरी बनाने की राइटिंग भी तेज हो जाएगी और अच्छी स्टोरी बनाओगे आप लोग, ठीक है। और अभी आपकी SSB है ना, एयरफोर्स में साइक और इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। आप GTO में थोड़ा बहुत अगर नहीं उतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो नेवरदलेस, बट इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सुप्रीम होता है, उसके पास जो पावर होता है ना सुप्रीम होता है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है। अब इंटरव्यू की बात करते हैं, तो आप लोगों में भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कुछ अचीवमेंट नहीं होगा, नहीं किया है, मैंने भी कुछ नहीं किया था। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं किया, तो मैंने सिर्फ एक चीज़ की थी, एंकरिंग की थी क्लास 9-10 में, और कुछ नहीं किया था। कॉलेज मेरा ऐसा ही था, बताया आप लोगों को, ठीक। अब मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि यार काफ़ी अच्छे अच्छे बंदे आए थे, मतलब किसी के पास NCC होल्डिंग सर्टिफिकेट थी, पता नहीं कहाँ कहाँ उन लोगों ने SC सर्टिफिकेट था, बहुत बहुत अचीवमेंट। लेकिन मैं तैयारी करके गया, ये सबसे पहली चीज़, तैयारी करके जाओ। कुछ चीज़ें आपने नहीं की है, आप गली लेवल पे खेलो, गुल्ली डंडा भी आप खेलो, तो आप टेल योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर सर ऑन लोकल लेवल आई हैव प्लेड दिस गेम, हमारे यहाँ यही था, मेरे यहाँ नहीं था उतना अच्छा फैसिलिटी। दे डोंट वांट कि हमें एक शशि थरूर बंदा चाहिए जो हर चीज़ ए क्लास चाहिए, नहीं, उन्हें एक बंदा चाहिए जो फिजिकली एक्टिव रहा हो किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़, लाइफ में आपने छोटा मोटा भी गेम खेला ना, आप हेजिटेट मत करो, बोलो क्रिकेट तो दुनिया खेलती भाई, क्रिकेट तो जरूर लिखो। अब क्रिकेट मैंने लिखा था, तो मैंने क्रिकेट के बारे में हर एक नॉलेज इकट्ठा की थी,
एसेज कब से स्टार्ट हुए, क्रिकेट की डायमेंशन क्या होती है, जो पिच की डायमेंशन क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं गेम के, कितने तरीके से एक क्रिकेटर आउट हो सकता है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ठीक है, तुम कहाँ किस लेवल पे खेले हो। ठीक है, एक अगर मान लो तेरे से मैं पूछूं कि ओके जेंटलमैन टेल मी हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज अ मैच, अब ऑर्गेनाइज करना है मैच कैसे करेगा ऑर्गेनाइज। सो ये सब चीजें तैयार होनी चाहिए अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स लिख रहे हो। ठीक, तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। CIQs होते हैं, CIQ जानते हो कोई, रैपिड फायर क्वेश्चन जानते हो, एक साथ इंटरव्यूइंग ऑफिसर 13-14 क्वेश्चन फेंक देता है, क्वेश्चन ही भूल जाते हैं हम, हो जाते हैं ना क्वेश्चन भाई 13-14 क्वेश्चन एक साथ हो रहा है, उसको CIQ बोलते हैं। तीन CIQs होते हैं, एक आता है आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, एक आता है फैमिली के बारे में, फिर एक आता है आपका हॉबीज एंड इंटरेस्ट आपके डेली रूटीन के बारे में। ठीक है, तीनों CIQs यूट्यूब पे अवेलेबल है, कभी भी आप उनको जाके सुन के अपने आंसर्स फ्रेम करना स्टार्ट कर सकते हैं, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर चेंज नहीं करता CIQs। ठीक है, तो आप ये करें कि आप इसकी प्रिपरेशन स्ट्रांग कर लें, क्योंकि पहले 5 मिनट में आपका जो PIQ फॉर्म होता है, ठीक है, वो देखेगा। PIQ फॉर्म जानते हो आप लोग? Yes, हाँ, PIQ फॉर्म देखेगा, उसी टाइम पे वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे इस कैंडिडेट को लेना है या नहीं लेना है। 10% to 20% वो डिसाइड कर देता है आपका PIQ फॉर्म। कुछ लोग भरते हैं एकदम छोटे लेटर में, कट करे सिंह नहीं था या तो राजपूत था, भूल गया, काट देता हूँ, ऐसे नहीं लिखना। PIQ फॉर्म की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत अच्छे से भरने की, इतना नीट एंड क्लीन लिख दें उसको कि जितना पॉसिबल हो सके आपसे। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीजें उन्हें पसंद है ना, एक फौज के ऑफिसर्स को कैसी चीजें पसंद हो, जो एकदम नीट एंड क्लीन हो, डिसिप्लिन हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, तो हमें अच्छे से लिखना है, उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लें कि हमें लिखना क्या है। फिर जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक, उसके बारे में पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल आप फैमिली के बारे में लिखेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं ओके जेंटलमैन टेल मी 3 सिचुएशन इन विच योर फादर स्कोल्डेड यू। ठीक, अब उसमें कोई बहुत मेजर चीजें नहीं बता देंगे, सर मैं एक बार रात में बंक मार के कहीं गया था, पापा पकड़ लिए, बहुत मारे, इस टाइप की चीजें नहीं बतानी। छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे मम्मी कहाँ डांटती है, मान लो नहा लिया, पानी छोड़ दिया वॉशरूम में, ठीक है, वाइपर नहीं किया, मम्मा डांट देती हैं, डांट देती हैं, ये सब चीजें छोटी छोटी बता सकते हो कि ठीक है ये चीजों पे डांट पड़ती रहती है बच्चों को, पंखा छोड़ के चले, मतलब खुला छोड़ के चले गए, कभी कभी हो गया, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज, ये सब बता सकते हो। कोई बड़ी चीजें मत बता देना इंटरव्यू में, नहीं तो वो साइड इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर अपना होता है फैमिली, हो गया अपना रूटीन के बारे में, मुझसे कोई पूछ रहा था तो रिकमेंड होने के पहले मेरी रूटीन थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, अभी मेरी रूटीन बहुत अच्छी है, बट रिकमेंड होने के पहले की मैं रूटीन बताऊंगा। तो एज आई टोल्ड यू कि मेरा कॉलेज कुछ खास था नहीं, तो कॉलेज जाना होता नहीं था, तो मैं थोड़ा सा देर में उठता था, आई यूज टू वेक अप बाई 9 o'clock, मत उठना कभी, अभी मैं 4 बजे उठता हूँ क्योंकि मेरे को अकेडमी ज्वाइन करनी है कुछ दिन बाद। तो अगर आप अभी से पॉसिबली हो सके तो आप मॉर्निंग में उठो, बहुत फ़ायदे होते हैं। 7 बजे तक आपको लगेगा कि मेरे पास कितना टाइम है, आप पढ़ भी लोगे, आप एक्सरसाइज भी कर लोगे, एवरीथिंग शुड बी लाइक ये तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, तो जल्दी उठो, मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मैं 9 बजे उठता था और उसके बाद अपना थोड़ा बहुत मॉर्निंग रूटीन करने के बाद मैं साइक स्टोरीज की प्रैक्टिस करता था। ठीक है, साइक स्टोरीज की प्रैक्टिस करने के बाद आई यूज टू गो फॉर रन, और उस टाइम पे मुझे चिकन पॉक्स हो गया था SSB से 1 महीने पहले, थोड़ा सा तो बॉडी भी वीक हो गई थी मेरी, तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा उतना अच्छे से रनिंग वनिंग हो नहीं पाता था, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपको चिकन पॉक्स हो जाए तो फिजिकल एक्सरसाइजेस मना कर देते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता था, तो मतलब GTO उसके बाद ग्रुप जो हमारे बनाए थे हम लोगों ने टेलीग्राम पे, उनके साथ डिस्कस करना। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे एक सीनियर हैं समीर सर, जो अभी कैप्टन है इंडियन आर्मी में, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। ही यूज टू टेक माई मॉक इंटरव्यूज़। ठीक है, उन्होंने मेरे 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज़ लिए हैं। मेरे जो सीनियर्स और भी रहे हैं अकेडमी में हैं या फिर पास आउट हो गए हैं, उन्होंने भी मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं। तो मैंने बहुत लोगों को अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं और बहुत जूनियर्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं, सो उससे भी मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग भी ले सकते हो, जैसे आप दोनों दोस्त हो, फॉर एग्जांपल आप इनका इंटरव्यू ले लो कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, आप इनका ले लो, इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, आप एक दूसरे के बारे में जानोगे और कॉन्फिडेंस भी बनता है। ठीक है, समझ रहे हो, एक दूसरे की गलती बताओ, ऐसे ही होता है ना। ठीक, तो ये कर सकते हैं। और इंटरव्यू में सेम चीज़ है कि आप एक डायनेमिक पर्सनैलिटी रखो, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और स्विफ्टनेस। आप ये नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप डिले करो रिप्लाई में, नॉलेज बेस नहीं चेक करते वहाँ इंटरव्यू में, क्योंकि आप एक UPSC का एग्जाम क्लियर करके आए हो, सो दे विल नॉट आस्क कि इंडिया में कितना ये है वो है, ये सब क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। उनको पता है कि भाई आपका नॉलेज अच्छा है, आप UPSC का एक रिटन एग्जाम क्रैक करके आओ। जो NCC एंट्री के लिए जाते हैं, TGC एंट्री के लिए जाते हैं, SSC टेक वुमेन एंट्री के लिए जाते हैं, उनमें पूछ सकते हैं नॉलेज बेस में, वो भी उनके लाइफ के बारे में पूछेंगे। ठीक है, जैसे SSC का अगर कोई जा रहा है
टेक्निकल ब्रांच के लिए, तो टेक्निकल नॉलेज पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई उनको नॉलेज उसमें चेक करनी होगी, लेकिन आप तो यूपीएससी का एग्जाम देके गए हो, ठीक है, तो आप में नॉलेज नहीं पूछेंगे, आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि ठीक है फैमिली के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, अपने डेली रूटीन के बारे में बताओ, क्यों मैं लूँ आपको, सिलेक्ट क्यों करूँ, ठीक है, बहुत सारे बंदे हैं, 70 बंदे और हैं, आपको क्यों सिलेक्ट करूँ, सो यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, वही तो मैं कह रहा हूँ, रीजन ढूंढो क्यों बनना है फौजी, अगर मान ले किसी में से मैं पूछूं कि क्यों अफसर बनना है, जवान क्यों नहीं बनना, अग्निवीर क्यों नहीं बनना, बताओ बताओ, चलो टेल मी व्हाई नॉट अग्निवीर, व्हाई ऑफिसर, हाँ वो नहीं ठीक है, अग्निवीर में क्यों नहीं जाना, ऑफिसर क्यों बनना है, सो एज अ लेफ्टिनेंट आई हैव टू वर्क अंडर माय कैप्टन, एज अ कैप्टन आई हैव टू वर्क अंडर माय मेजर, सबका अपना अपना आंसर होता है, ऑब्वियसली एसएसबी का टाइम आएगा तुम सुधारोगे इसको, ये आंसर नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे आंसर हो सकते हैं, ठीक है, अपना पोटेंशियल आप यूटिलाइज करोगे, अपना पोटेंशियल आप जानोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं ऑफिसर क्यों बनूं, मैं जवान क्यों ना बनूं, क्योंकि भाई फौज तो दोनों चीज दे रही है, ऑफर तो सेम चीज कर रही है ना, ठीक है, लोग जवान बन के भी जाते हैं, एसीसी एंट्री किसी को पता है क्या होती है, क्या होती है, एग्जैक्टली, तो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई कुछ फैमिली कंडीशन की वजह से दे हैव टू ज्वाइन, अंदर जाके उन्होंने एसएसबी दी, एसीसी एंट्री निकाला, 4 साल में ऑफिसर, ठीक है, होता है भाई, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, कि अगर आप मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना मोटिवेशन एक स्ट्रांग रखो कि फौज में अफसर क्यों बनना है, जवान मत बनना कभी, वैसे मैं ये बोल रहा हूँ मतलब बनना मत, लेकिन अफसर क्यों बनना है इसका मोटिवेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्यों बनना है अफसर, इसका रीजन दो, ठीक है, खुद से पूछो, सब लोग खुद से पूछो, ठीक है, घर पे जाना इंट्रो इंस्पेक्ट करना, ठीक, नहीं मेरे से नहीं पूछा गया था, मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मेरे से ये पूछा गया था व्हाई यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्म फोर्सेस, हाँ तो इसका आंसर सर लोग हैं, ये लोग को भी पता है, सर फ्रॉम माय एनडीए एसएसबी टिल माय सीडीएस एसएसबी आई हैव इंप्रूव्ड अ लॉट इन माय कम्युनिकेशन स्किल, इन माय नॉलेज बेस, इन माय पर्सनालिटी, सर लोग एग्जांपल आई थिंक, सो दिस इज माय वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने उनको इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ही बोला था, सेकंड भाई जो फौज का ऑरा होता है कैन नॉट बी गेट एनीवेयर, द फ्रेटर्निटी द ब्रदरहुड दैट विल गेट इन आर्म फोर्सेस कहीं पा सकते हो, एज एन ऑफिसर मैं अपने यूनिट में जाके किसी को बोलूंगा कि भाई ये करना है आज, ये ऑपरेशन करना है, एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जी साहब तैयार हूँ, ये कहाँ मिलेगा, नोबडी इज गोइंग टू पुट यू अप इन फ्रंट ऑफ एनीवन, फौज में ये नहीं होता कि आप सीनियर को पुटअप नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपको ट्रेनिंग टाइम से ही सिखाया जाएगा कि आप पुटअप नहीं कर सकते, जो उन्होंने बोला पत्थर की लकीर, ठीक है, सो दिस इज अनदर थिंग कि भाई जो लाइफस्टाइल होती है, ठीक है, जो मोटिवेशन होता है, क्या बोलते हैं, जो एडवेंचरस लाइफ होती है, और मेरा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वहां से यहाँ तक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इवन आउटसाइड द फोर्सेज आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, सो इन फोर्सेज आई कैन कंट्रीब्यूट 100% ऑफ माइन, अभी तो मैं फौज में भी नहीं गया हूँ ना, और मैंने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है, सो फौज में तो मैं और अच्छा करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा, ऑब्वियसली, सो ये मेरे आंसर थे, और इट इज नॉट नेसेसरी व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू, एएफएसबी के लिए नेसेसरी, एयरफोर्स वाले थोड़ा सा ये चीज देखते हैं, क्योंकि आर्मी में ऐसा होता है कि भाई तू कैसे भी आ जा, एकेडमी में पहुंच, मैं तेरे को सुधार दूंगा, एयरफोर्स मतलब एयरफोर्स में ये देखते हैं कि भाई हर एक बंदा प्रॉपर हर एक चीज में एकदम अच्छा दिखे, मतलब दे वांट दीज थिंग, बट अगर आप आर्मी के लिए जा रहे हो तो आप थोड़े मोटे भी हो, क्योंकि मेरे साथ एक बंदा था काफी मोटा था, बहुत मोटा, he also got recommended. या यू नीड टू हैव लाइक, ऐसा नहीं है कि आप जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा करने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चार चार करके भी लोग रिकमेंड हुए हैं, बट थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज, योगा आप कर सकते हो घर पे भी, सो इट इज इनफ फॉर यू. एनी मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थिंग, पूछ लो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, फिजिकल एबिलिटी तो वो बना देंगे, ठीक है, हमें एज एन ऑफिसर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तू भागेगा तो नहीं, लाइक तेरा प्लेटून तेरे साथ है, ठीक है, ऑपरेशन कर रहा है तू, सामने से बहुत फायरिंग हो रही है, तू उस टाइम पे खड़ा रहेगा अपने यूनिट के बंदों के साथ, ये मांगते हो, समझ रहे हो आप, ठीक है, तो यही मेन चीज़ है कि फौज में जो आपका डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है,
वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेंटल स्टैमिना, क्योंकि आपको पता होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है लगातार 2 घंटे का चलता है, बीच में एक बार ब्रेक मिलता है वो भी 5 मिनट का सिर्फ चाय के लिए, ठीक है। तो आप सोच सकते हो लगातार 1 घंटे 2 घंटे का टेस्ट, इवन आप रिटन पेपर ले लो सीडीएस जिन्होंने दिया होगा, आप देखोगे 2 घंटे का पेपर, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे का पेपर, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे का पेपर, 6 घंटे के पेपर, कितना मेंटल स्टेमिना है। और स्टेमिना इज वन ऑफ द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, आप लोग को पता होगा, सभी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पता है आप लोगों को? हाँ, पता होना चाहिए। तो मेंटल स्टेमिना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सब चीज जब आप रिटर्न निकाल रहे हो आपका एक मेंटल स्टेमिना चेक हो गया, रिटर्न निकालते ही आपका एक मेंटल स्टेमिना चेक हो गया कि भाई अंधे में है बंदा, इतने देर तक बैठा है, ठीक है, सो नहीं गया एग्जाम में, ठीक है। देन आता है कि आप ठीक है, फिर आता है कि आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, ठीक है। आपकी एक डायनेमिक पर्सनालिटी तो होनी ही चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत टॉप नॉच लेवल का होना चाहिए, किसी के भी सामने आप बोल सको, हेजिटेट मत करो, ठीक है। ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आप जब ग्रेजुएट एंट्री में जा रहे हो, एनडी एंट्री में तो 4 साल है, दे विल ट्रेन यू, बट अगर आप ग्रेजुएट एंट्री में जा रहे हो चांसेस आर लेस, क्योंकि आपकी 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जाओगे यू विल हैव 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, आईएमए जाओगे यू विल हैव 1.5 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। टीजीसी एंट्री से कोई जा रहा है तो 1 साल की ट्रेनिंग, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छा नॉलेज बेस होना चाहिए। When I am talking about knowledge base, ये सिर्फ नहीं कि मेरे को दुनिया समाज के बारे में क्या पता है, मेरे को खुद के बारे में भी कितना पता है। दुनिया समाज के बारे में बहुत कुछ पता है, but we don't know कि what is the 3 qualities that I like about my father, what is the 3 qualities that I want my father to improve, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Tell me 3-2 reasons why you like your friend, what kind of friend you like to have, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू के ही हैं। कॉन्फ्रेंस तक गए हो आप, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे, हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सबका पहले से ये कॉपी बनाओ इंटरव्यू के लिए और फिर स्टार्ट करो। फिर आता है जीटीओ। जीटीओ में सिंपल सा है, अगर आप नॉलेज अच्छा रखोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप बोलोगे उसमें। इट इज लाइक लोग बोलते हैं फिश मार्केट बन जाता है, फिश मार्केट में उनके लिए बनता है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती। जो बंदा अच्छा होगा, अच्छा बोलेगा, उसकी फिश बिकेगी। फिश मार्केट है तो फिश अपनी अच्छी बेचो, जिसकी अच्छी फिश होगी, जो अच्छे से बेच पाएगा वो बेचेगा, ठीक है। सबके लिए फिश मार्केट है, ऐसा तो है नहीं वो सबको हटा देंगे, कोई ना कोई तो स्क्रीनिंग होगा ही ग्रुप में, ठीक। तो अच्छे फिश बेचो, अच्छे से बेचो, ठीक है। तो फिश मार्केट वाला सिचुएशन होता है, तो अपना अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, आप अच्छा बोल रहे हो, आपके बंदे ही आपको सुनेंगे, वो आपको नॉमिनेट भी करेंगे आगे चल के, ठीक है। इवन जब मेरे एनडीए की सेकंड टाइम एसएसबी थी, ऑल्दो आई गॉट स्क्रीन्ड आउट, बट उसमें भी मेरा नॉमिनेशन हुआ था, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छा किया था उसमें भी। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन ऑफ स्क्रीन आउट इन द सेकंड अटेम्प्ट, बट स्टिल ये होता है, ठीक है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखोगे तो आपको चांसेस हैं कि आप आगे तक जाओगे। फिर आता है आउटडोर टास्क। तो आउटडोर टास्क आप सीख सकते हो, यूट्यूब पे भी वीडियोस पड़ी हैं, सर भी एकेडमी में किसी लेके जाते ही होंगे। तो आउटडोर टास्क के लिए पीजीटी होता है, एचजीटी होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इज नथिंग, अगर आपकी कोर स्ट्रांग है, आपकी आर्म स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, आपको हाइट से डर नहीं लगता, इट इज फॉर यू, मतलब आप आराम से कर लोगे। हाइट से डर नहीं लगना चाहिए। किसी को हाइट से डर है, पानी से डर है, पानी से डर है, सच्ची? चलो नहीं होना चाहिए वैसे, थोड़ा बहुत पानी का डर निकालो। स्विमिंग पूल में कभी गया? जाना, थोड़ा सीख लो स्विमिंग, ठीक है। तो दैट्स इट। और अपने डाउट्स आप लोग पूछ लो, ठीक है, जो भी है, जितने भी डाउट्स हैं हम लोग क्लियर करते हैं फटाफट। मेरी वीकनेस बहुत सारी हैं यार, देखो मेजर वन अभी के लिए मेरी यार, मतलब देखो अभी मैं थोड़ा सा फिजिकल एस्पेक्ट से बताता हूँ कि मेरी थोड़ी सी कोर स्ट्रेंथ वीक है, क्योंकि आई विल बी ज्वाइनिंग एकेडमी इन अ फ्यू डेज, तो वहाँ कोर स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मेरी कोर स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक है, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। मेरी और सब मतलब लोअर बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी है, मेरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी है। तो अगर मेरे से पूछा जाता अभी के लिए, जैसे एक महीने बाद मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एकेडमी, तो मेरी कोर स्ट्रेंथ मैं इंप्रूव करना चाहूँगा। पहले के लिए तो एनडीए मतलब एसएसबी के टाइम पे मैंने क्या बोला था ओके, उस टाइम पे शायद मैंने मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि मेरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत वीक है, क्योंकि मेरे से पुलअप नहीं लगते थे। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को लगे कि मतलब पुलअप कैसे नहीं कर सकता कोई बंदा, बट मेरे से पुलअप नहीं होते थे, एक दो भी नहीं होते थे। थोड़ा सा मैं फैट था और मेरे को चिकन पॉक्स भी हो गया था, तो आपकी स्ट्रेंथ पूरी चली जाती है, ठीक है। तो मैंने अपने मेरे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने उनसे बताया था कि सर मेरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक है, जो कि मेरे दोस्त भी कहते हैं, सो आई वॉन्ट टू, क्योंकि उसमें मैं कोई अपनी क्वालिटीज़ नहीं बता सकता वीकनेस में। आप लोग ध्यान देना, कोई क्वालिटीज़ मत बता देना कि सर मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, नहीं, फौज में अफसर बनना है आप, गुस्सा आ जाएगा, जवान को ठोंक दिया,
ऐसे नहीं कर सकते ना आप, नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो गुस्से वाली चीज ऐसे कोई क्वालिटी नहीं बता सकते आप, कोई इंसिडेंट बता सकते हो कि सर ये चीज है जो मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। आप कोई भी अगर आप अपनी वीकनेस बता भी रहे हो, सो मेक श्योर आप उसको बताओ कि सर मैं उसको इंप्रूव करने के लिए कर क्या रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि वहां आपकी ये वीकनेस तो होगी, अब उसको इंप्रूव कैसे कर रहे हो? तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने सर रेजिस्टेंस बैंड खरीदा है, मैं दोस्त के साथ जाता हूँ, थोड़ा बहुत पुशअप पे ज्यादा फोकस करता हूँ, वेरियस एक्सरसाइजेस करता हूँ जिससे मेरी लैट्स एंगेज हो, ठीक है, जिससे मेरे पुलअप बढ़े। तो इस टाइप की चीजें मैंने उनको बताई थी। तो कोई भी वीकनेस अगर आप बता रहे हो, सो मेक श्योर कि आप उसका बताओ कि आप उसको इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो। इवन अपने फादर की भी आप बता रहे हो कि आई वॉन्ट माई फादर टू इम्प्रूव दिस पर्सपेक्टिव, तो बताओ कि मैं क्या इन्वॉल्व हो रहा हूँ उसमें, क्योंकि एक ग्रेजुएट एंट्री वाला बंदा, सो टॉक टू हिज फादर। ऐसा नहीं कि पापा से बहुत ज्यादा गैप है, क्योंकि एज मैं जानता हूँ बहुत लोगों का बहुत ज्यादा गैप हो जाता है पेरेंट्स के बीच में। गैप ज्यादा मत रखना, मतलब थोड़ी बहुत चीजें आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हो अगर आपको लगती है। और कोई डाउट? जब तक तुम्हारे मॉक्स में आंसर नहीं बना तब तक पढ़ो। मैं तो बहुत पढ़ता था, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ता था। मतलब सीडीएस के टाइम पे मेरे को चिकन पॉक्स भी हो गया था, मतलब एसएसबी के टाइम पे स्टिल मेरा पूरा बॉडी खुजली कर रहा होता था। स्टिल व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू मतलब नीम की पत्ती आती है उसको ऐसे ऐसे कर करके मैं पढ़ता रहता था। तो ठीक है, उस टाइम पे मेरे को इरिटेशन होती थी, मैं बाहर जाके बैठ सकता था, बट नहीं, पढ़ना था ना, सीडीएस में सिलेक्शन चाहिए था। तो उस टाइम पे अगर कोई बंदा पढ़ सकता है, इवन मैं समीर सर की बात बताता हूँ, मेरे साथ के जो सीनियर थे, जो अभी कैप्टन है, कोविड में सब लोग घर चले गए थे, एक चतुर्वेदी हॉस्टल है, ही वॉज द ओनली चैप जो लेफ्ट थे उस हॉस्टल में। 55 दिन लगातार ही वॉज देयर इन मतलब हॉस्टल, कोई नहीं था उनके साथ, खुद बनाते थे, खुद खाते थे, आज वो कैप्टन तभी है, ठीक है? लगातार, और इतना पढ़ते थे कि मैं बता नहीं सकता, जीएस में 100 में वो 56 नंबर लाए थे, ये ट्रेडमार्क होता है। 56 नंबर क्या मतलब, मेरे तो 21 नंबर आए थे, आपको बताया था, उनके 56 नंबर आए थे 100। तो इस टाइप का वो पढ़ते थे। तो आप जब तक पढ़ो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। आप 4 घंटे कम सो गए तो आपकी डेथ नहीं हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। जिस दिन योर फादर विल से कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट्स अदर फीलिंग। तो उसके लिए पढ़ना यार, जितना पढ़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती पढ़ाई की। सर आप लोग को होमवर्क देते होंगे, ठीक है, होमवर्क पूरा कंप्लीट करके आओ, जितना भी होमवर्क दें, उसके बाद, उससे ही नहीं, उसके बाद भी आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने हमेशा कहा है कि यू हैव टू मेक अ चेक ऑन योर प्रिपरेशन, कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, नहीं लगता सर से आके पूछो कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं लगे, आई वॉन्ट टू आस्क, सर बताएंगे, ठीक है? ये डेडिकेशन होनी चाहिए। हम लोगों से नहीं लगते थे, हम लोग आते थे तुरंत पूछने, जब भी नहीं लगता था कभी भी। मैं एकेडमी भी लास्ट में 2-3 दिन नहीं आया था, उसमें भी आके मैं पूछता था सर से, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप बताते थे। और मैं तो अभी भी कहता हूँ, अनूप सर एंड अतुल सर वॉज द वन जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया था। और जब मेरा पेपर हो गया था, आई कॉल सर कि सर मेरे 75 अटेम्प्ट किए थे मैंने मैथ्स में, तो 75 इज वेरी गुड स्कोर अभी के भी हिसाब से। अगर मैथ्स में आप 75 कर रहे हो, सो आप 150 से ऊपर कर रहे हो, और मेरे 156 नंबर आए थे 300 में। तो सिंपल सा फंडा रखो कि आप जब तक पढ़ो जब तक आपकी मतलब हालत खराब ना हो जाए, और आप सोना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, बट अभी सिलेक्शन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना सर पढ़ा रहे हैं हर चीज़ करो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो तो करो, मैनेज करना होता है। रनिंग वनिंग जाते हो आप लोग कहने के लिए? हाँ, गुड। तो रनिंग वनिंग जाया करो, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करो। और जॉन सर यहाँ पे GD कराते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसा होता होगा कि हेजिटेट करते होगे, बोल नहीं पाते होगे, मैं भी नहीं बोल पाता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल थोड़ा बहुत ट्राई करते रहना। घर पे जाके मिरर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद से बोलोगे मिरर में देख के, अपनी आंखें देख के, ठीक है गलत बोल रहे हो, रिकॉर्ड करो अपनी आवाज़ को, सुनो कि कहाँ गलत बोल रहा हूँ। फ्रैंक रोशन परेरा हो गए, और क्या बोलते हैं अलकी शर्मा मैम हो गई, इन लोग के लेक्चर सुनो, इन लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, इन लोगों को सुन के। सर भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं भाई, आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो कि सर कैसे बोलते हैं, देन ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड कि जैसे सर बोल रहे वैसे मैं बोलूँ, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, फ्रैंक रोशन परेरा की तरह सर बोलते हैं एक्चुअली, मैं तो उनका नाम ले लिया, बट एग्जैक्टली उन्हीं की तरह बोलते हैं। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि किस तरीके से बोलना है, क्योंकि हम देख के ही सीखते हैं। एक जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बच्चा होता है वो भी देख से ही सीखता है, हमारे यहाँ हिंदी देख के सीखते हैं बच्चे, तो देख के ही सीखते हैं। और हम लोग जल्दी क्विक लर्न करेंगे क्योंकि हमारी एज बड़ी हो गई है। इंग्लिश बहुत सिर्फ एक लैंग्वेज है ना, हमें अपने आप को कन्वे करना है सामने वाले को, दैट्स इट। बस थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन पे काम करो, और पढ़ना तब तक है जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। कब पेपर है अभी? September 1st। तो कितना है अभी? 2 महीने। 2 महीने जो त्याग कर सकते हो करो, इट विल बी वेरी गुड व्हेन यू विल सी योर नेम इन द PDF लिस्ट।
बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है। एंड फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट में देखोगे सो पूरे जिले को बहुत अच्छा प्राउड होगा, ठीक है। तो करते रहो मेहनत, कोई दिक्कत नहीं है, सर लोग हैं, दे विल हेल्प यू आउट। जितने भी चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हो, और सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ कोचिंग में आना, कोचिंग का पढ़ना और कोचिंग का रिवाइज कर लेना, ठीक है, यही नहीं करना है आपको, आपको सेल्फ स्टडी बहुत करनी है, ठीक है। कोचिंग वाले सिर्फ मार्गदर्शन देंगे ना आपको घर पे जाके कि बेटा पढ़ो पढ़ो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना, कोई भी कोचिंग वाला नहीं कर सकता इतना, जितना पढ़ा रहे हैं उतना तो पढ़ना ही है, खुद से पुश करना है खुद को। कोचिंग वाले सर अगर मान लो आज अतुल सर ने आपको 50 क्वेश्चन देते थे पहले, हम लोग को 50 ही देते होंगे अभी भी, 50 की जगह आप 70 करके आओ, 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करके आओ, उनसे पूछो कि सर नहीं हुए, बताएंगे सर, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। और कोई डाउट? देखो पहले तो भाई ऑब्वियसली स्कोर कम जाएगा, क्योंकि शुरुआत में सबका दिक्कत यही होता है कि स्कोर नहीं बनता, लेकिन विद इन टाइम आप जब एक दो हफ्ते से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके स्कोर अपने आप अच्छे होने लगे, कोई एवरेज स्कोर नहीं होता उसमें। उसमें मॉक टेस्ट जब लगाओगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस कुछ लोगों का गिर जाता है, भाई मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन रहा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंग्लिश में फेल होता था शुरुआत में, फिर भी 45 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली सही हुए थे उसमें NDA में, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके स्कोर भी कम जा रहे हैं बट एटलीस्ट आपको एक चेक मिल रहा है ना, वेयर आर यू स्टैंडिंग, ठीक है। तो कोई इसका ये नहीं होता कि कितना कट ऑफ मार्क्स पे कितना जाना है, ऊपर जाना है नीचे जाना है, जितने स्कोर आपके बन रहे दैट्स इनफ, आप उसको इम्प्रूव करते रहो, जहाँ गलतियाँ हैं उसको जाके देखो, ठीक है, उसको एक कॉपी लो, उसमें नोट कर लो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, ये क्वेश्चन उससे नहीं हुआ है, एक जहाँ सर पढ़ाते हैं उस पर ये क्वेश्चन मार्क कर लो कि यार ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्योंकि जो चीज़ आते हैं वो टीचर्स पढ़ाए रहते हैं, ठीक है। बुक में भी जाके मार्क कर लो कि यार ये क्वेश्चन NDA 2021 में आया था इस टाइप से, क्या पता फिर से आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आपका आराम से रिटर्न क्लियर हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? देखो सबसे पहली चीज़ तो कोचिंग में आप रेगुलर रहें, और जितना ही लोग करा रहे हैं वो तो आप करते ही रहें, प्लस वही मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट के 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। खुद को प्रॉपर रेस्ट देना है एंड मॉक टेस्ट फुल लेंथ लगाने हैं, क्योंकि फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं क्योंकि हम 2.5 घंटे बैठ ही नहीं पाते, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा मेंटल स्टेमिना चाहिए होता है, और घर में फ़ोन में हम लगा रहे होते हैं तो फ़ोन में करता है यार थोड़ी देर बंद कर देते हैं, अभी 10 मिनट बाद बनाएंगे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हर चीज़ का जितना हो सके, अभी सिलेबस खत्म होने वाला होगा, 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा मोस्टली सिलेबस, फिर जितना मल्टीपल रिवीजन हो सके उतना मल्टीपल रिवीजन आप लोग करो, हर बार लिख के रिवाइज कर सकते हो लिख के करो, बोल के कर सकते हो बोल के करो, दोस्त लोगों को आपस में एक का सुने एक, एक का सुने एक, इस तरीके से करो। एट द एंड ऑफ द डे आपको रिवीजन करना है खूब अच्छे से अगले महीने तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 10 दिन बचे उसमें फुल लेंथ मॉक लगाओ, अपने स्कोर को बढ़ाओ, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वन कैन डू बिफोर द एग्जाम। व्हाट यू बहुत रिवीजन कर लिया करो, देखो ये वही होता है ना कि फॉर्मूला वॉर्मूले हम लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है, और तुम ठीक से लगाओगे नहीं। अगर देखो 50 क्वेश्चन मान लो सर ने दिया, अगर तुम शिद्दत से लगा रहे हो और तुमको कॉन्सेप्ट आता है तुम कभी नहीं भूलोगे जल्दी। मैथ्स तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि कोई नहीं भूलता जल्दी, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए वीकनेस होती है, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से कॉपी बनाओ, सर बनवाते होंगे कॉपी शायद फॉर्मूले के लिए, ठीक है। वो कॉपी रिवाइज करते रहो, वो ऐसे नहीं कि वो रख दी एक बार हो गया बस रख दी, उस कॉपी को बार बार रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार उसको रिवाइज करोगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो रिवाइज करना है उस तरीके को, क्योंकि वो फॉर्मूले रिवाइज करोगे और क्वेश्चंस लगाओगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहो, इसको आपको एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। भाई ये सब मत सोचना कभी, मतलब देखो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले शुरुआत में ही बताया था कि सिलेक्शन या फिर रिकमेंडेशन उसका होता है जिसको ये पता होता है कि छोड़ना क्या है। भाई 120 के 120 क्वेश्चन तो आप कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ तक कि 40 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हो रहा है अभी इस टाइम पे, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ गया है, तो 40 क्वेश्चन एग्जैक्टली सही किया एक भी गलत नहीं किया आप सिलेक्ट हो जाओगे, अगर GAT में ठीक ठाक कर दिया आपने तो 75 क्वेश्चन सही कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ठीक है ये मेरा वीकनेस है,
ठीक है, तो हम इसको लेके डीमोटिवेट नहीं हो सकते। जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वीकनेस के बेसिक क्वेश्चन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा 3D तुमको नहीं आता, वेक्टर ज्योमेट्री नहीं आता, कुछ नहीं, उससे जो इजी क्वेश्चन आते हैं वो हमने रख लिए, अच्छे से सॉल्व कर लिया 5-6 उस टाइप के ट्रेंड के। जो उसके टफ क्वेश्चन है ठीक है आएगा, मैं ट्राई अगर किया है तो करूंगा, वरना उसको क्रॉस कर दूंगा। क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, मान लो मैं क्या करता था, पेपर को एक बार राउंड में देखा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं चुटकी में कर दूंगा, तो 20-30 क्वेश्चन मेरे हो जाते थे जो मैं तुरंत कर सकता हूँ, तो उसको टिक मारता था। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके कैलकुलेशन थोड़े से बड़े होते थे, उसको मैं गोला करता था, ऐसे राउंड कर दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते ही नहीं थे, उसको क्रॉस करता था। इससे जब सेकंड राउंड मेरा लगता था तो मैं बहुत इजीली क्वेश्चन को अप्रोच कर पाता था, और मुझे भी पता था मुझे सिर्फ 60-70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करना, इतने क्वेश्चन कर लूंगा दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये मत सोचो कि मेरा एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मैं बहुत परेशान हो गया, नहीं यार, सर इज देयर, उनसे पूछ लो अगर तुमको लगता है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, बाकी हो जाएगा, इतना कोई एक क्वेश्चन के लिए परेशान मत हो। ठीक है, प्लेथोरा ऑफ डिफरेंस पर, मतलब बहुत सारा डिफरेंस फ्रॉम नादिर टू पिनाकल, आई विल से बहुत सारे रोलर कोस्टर थे। मतलब एनडीए के एसएसबी में बोल नहीं पाता था, मैं मोटा था, बहुत मोटा था, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ थी मेरी, मतलब नॉलेज बेस जीरो थी, नील थी, ठीक है, मेरे को डिफेंस फोर्सेज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, ठीक है, कितने यूनिट होते हैं, कितने रेजिमेंट होते हैं, इवन मतलब कुछ नहीं नॉलेज थी। इस टाइम पे लोगों से इतना इंटरेक्ट करके बहुत नॉलेज इकट्ठा कर ली है, एंड आज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। सो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, आप भी रोलर कोस्टर जर्नी जो भी, पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत बैकअप आप जरूर रखना, अगर आप लोग को TES एंट्री के फॉर्म मिले जरूर भरना, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं NDA में स्क्रीन आउट हुए, 10 दिन बाद गए TES एंट्री में, रिकमेंड होकर अकेडमी में चले गए, विश्वास नहीं करोगे आप, ठीक है। वो 70 बंदों में स्क्रीनिंग नहीं हो पाए, 472 बंदों में स्क्रीनिंग हो गए, जहाँ पे सिर्फ 22 बंदे स्क्रीनिंग होते हैं, ठीक है। सो सब लाइक बहुत अजीब सा लग रहा होगा आपको कि भाई कैसे नहीं हो पाया उसमें, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि TES एंट्री अगर हो सके, मतलब परसेंटेज अच्छे होते हैं, अब तो शायद उस पर होता है IIT लेवल पे होता है शायद, आई डोंट नो, हाँ JEE मेंस पे, तो उसके भी पेपर दे देना, क्योंकि आपको एक फ्री SSB मिल जाएगी, क्या घाटा है भाई, पढ़ते रहो सेम सब्जेक्ट ना, थोड़ा बहुत भी कर लोगे, कट ऑफ क्लियर कर लोगे, बहुत है भाई। क्योंकि TES एंट्री भी बहुत अच्छी एंट्री है यार, उसमें भी परमानेंट कमीशन मिल रहा है, यू विल बी गेटिंग, मतलब NDA का तो अलग और आया, बट MCTE के भी और कम नहीं है भाई, उसमें टेक्निकल ऑफिसर्स बनते हैं सिग्नल्स के, बहुत अच्छा लगता है वो भी, अब तो वो भी IIM में जाएंगे लास्ट में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया, बंद हो गया है, ठीक है। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग TES एंट्री के लिए भी फोकस करना, और जो ग्रेजुएट एंट्री वाले हैं, ठीक है, जो भी ग्रेजुएट एंट्री वाले हैं, आप सिर्फ CDS पे फोकस ना करें, CDS शुड बी योर प्लान ए, बट मेरे से कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके हर्ष, सो वी हैव टॉक फॉर लाइक 4-5 मिनट्स, टेल मी वॉट इफ यू नॉट गेट रिकमेंडेड। तो मैं वहां पे क्या बोलता है, मेरे कोई पास कोई बैकअप नहीं है, नहीं, मैंने ये बोला कि सर माई FCAT SSB इज लाइन अप ऑन 1st of April, अलॉन्ग विद दिस आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट CAPF एग्जाम। तो CAPF भी रखो अपने डोमेन में, ठीक है, CAPF भी ऑफिसर बनाता है, असिस्टेंट कमांडेंट बनाता है, तो वो भी अपने दिमाग में रखो, पढ़ाई करनी है, इसीलिए आप सिर्फ CDS पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज द सिलेक्शन रेट ऑफ SSB इंटरव्यू इज माइन्यूट, बहुत माइन्यूट। मेरे 7 के दोस्त हैं जो मेरे से ज्यादा पोटेंशियल कैरी करते हैं, दे आर नॉट रिकमेंडेड येट, सो वी कैन नॉट से श्योर कि मेरा रिकमेंडेशन हो जाएगा, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएट एंट्री। NDA एंट्री में बच्चा हो जाता है मतलब, लेकिन ग्रेजुएट एंट्री में यू मस्ट नीड अ बैकअप, कब तक पापा मम्मी के पैसे पे, समझ रहे हो ना व्हाट आई वांट टू से, सो यू नीड टू हैव अ बैकअप। आप कोई भी, क्योंकि मैथ्स देख लो, अगर मैथ्स में बात करता हूँ तो अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स आती है ग्रेजुएट एंट्री में, वो हर एक एग्जाम के लिए, आप SSC के भी बहुत सारे एग्जाम में कॉमन होता है, ठीक है। तो ट्राई ये करना कि आप प्लान ए तो SSB रहे, कि मतलब आप रिकमेंड हो जाओ, बट इन केस प्लान आपका ए सक्सेसफुल ना हो, सो यू एट द एंड ऑफ द डे यू हैव अ जॉब। एक भैया मेरे साथ थे, यस भैया, वो अभी CISF छोड़ के आए हैं, ट्रेनिंग छोड़ के आए हैं, वो भी रिकमेंड हुए थे हमारे साथ, आखिर में उनकी भी तो नौकरी लग गई थी, ट्रेनिंग कर रहे थे, ISSB देने हो गया, रिजाइन दे दिया वहां से, ठीक। तो इसका मतलब यह है वी नीड टू हैव अ बैकअप, तो बैकअप रखना आप लोग CDS वाले, ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि मैं खुद बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप लेके चल रहा था कि इन केस अगर मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता तो मैं CGL की प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी थी, और मैंने CAPF की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कर रखी थी, जो कि मुझे SSB में भी बहुत हेल्प की, क्योंकि आपका नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आप CAPF की राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करते हो, राइटिंग स्किल से आपका साइट टेस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सो एग्जैक्टली।
ठीक है, तो ग्रेजुएट एंट्री वाले आप जो भी लोग हो मेक श्योर आप ये करते रहना, ठीक है। हाँ, एनी डाउट? देखो ये कोई घंटा नहीं होता भाई, मतलब इसका मैं सिंपल सा बताऊंगा यार, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जब तक तुम्हारा डेली टारगेट सेट करो जितना। मैं तो भाई मेरा मैथ्स स्ट्रांग था, ठीक है, मैं बहुत पढ़ता था भाई, सर से पूछो कभी आज तक एक भी दिन नहीं था जिस दिन सर ने 50 क्वेश्चन दिए हों और मैं 50 क्वेश्चन करके ना लाऊं, भाई मैं एक्स्ट्रा करता था इवन, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगाता था। तो भाई कोई टाइम मत सोचो कि इतना टाइम तक पढ़ना है, पैसे अभी तुम ऐसे सोचोगे कि भाई टाइमली करना है तो फिर मजा नहीं आएगा, तुम उस टाइम तक करो जब तक तुम एक टारगेट सेट किए कि आज मैं इतने चीजें कर लूंगा, मैं रात भर नहीं सोऊंगा लेकिन कर लूंगा। एनडीए में ट्रेनिंग जो होती है ना, फोर्थ टर्म में रोवर्स होते हैं, पूरे 6 महीने दो घंटे की नींद मिलती है, पूरे 6 महीने 2 घंटे की नींद, और पूरे दिन रगड़ते हैं सीनियर, फिर कैसे सोओगे, ठीक है। तो समझ लो तुम्हारा फोर्थ टर्म चल रहा है, ठीक है, और तुमको मतलब स्लीप लेस साइकिल चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंपल सा फंडा ये रखो कि कोई टाइम लेके मत चलो, टारगेट सेट करो अपने, खुद से लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है, जो सर लोग बनवाए वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो, और मेक श्योर कि आपका सिलेबस टाइमली खत्म हो जाए खुद से, कोचिंग से क्या पता डिले हो जाए या फिर क्या पता जल्दी हो जाए, आपको समझ में ना आए मैटर नहीं करता, एट द एंड ऑफ द डे आप खुद से अपना सिलेबस खत्म करो, ठीक है। यस, अरे इंग्लिश में मैंने 117 किए थे 120 में, इसमें मेरे 100 सही थे। मेरा मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरा इंग्लिश और मैथ्स बहुत स्ट्रांग था जिसकी वजह से मैंने आज तक एफकैट भी दिया है, तीन बार एफकैट निकाला है, 2 बार सीडीएस निकाला है, 2 बार एनडीए निकाला है, तो जितने एग्जाम्स मैंने डिफेंस के दिए हैं वो सब निकाले हैं। रीजन यही था कि मेरा ओटीए कभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि 20-21 नंबर ही लाता था, मेरा आईएमए हमेशा क्लियर हुआ है, एएफए अगर डालता तो वो भी क्लियर हो जाता, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा करता था, बस मैं ये सोचता था कि जीएस में किसी तरीके से पास हो जाऊं, समझ रहे हो। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि किसी सब्जेक्ट में आप वीक हो तो उसको थोड़ा सा साइड रखा, जिसमें आप स्ट्रांग हो उसमें और अच्छा कर दिया, समझ रहे हो, आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, हाँ, सबसे पहली चीज जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में जाता हूँ मेरा स्क्रीन आउट होता है, सो पेरेंट्स का सबसे पहली चीज होती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं बना, क्योंकि मतलब 2 बार लगातार स्क्रीन आउट ऑन होना, और मेरा बैकग्राउंड फौज का बैकग्राउंड नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट फौज, इंडियन आर्म फोर्सेस, तो माय फादर सेड कि नहीं फौज तुम्हारे लिए नहीं है, उस टाइम पे उनको समझाना इज द मेन हर्डल फॉर मी। उनके सामने मैं खड़ा होता हूँ, मैं कहता हूँ पापा मुझे सिर्फ 2 साल दे दो, 2 SSB दूंगा, नहीं होगा आप जो कहोगे वो करो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप में पोटेंशियल है, और मुझे एनडीए टाइम पे भी लगता था कि मैं स्क्रीन आउट हुआ हूँ, आज 148 कोर्स में स्क्रीन आउट हुआ हूँ, मेरे 148 वाले बहुत सारे दोस्त हैं, उन सबका सीनियर बन गया, कहने का मतलब ये है कि उनसे पहले मैं कमीशन हो जाऊँगा, तो इसका ये नहीं होता कि जो हो गया वो सब भूल जाओ। अभी सबसे पहली चीज़ है, इंपॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को मनाना कि भाई सबसे पहली बड़ी हर्डल तो वही थी, मेरे पापा कह रहे थे कि कुछ और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि जिसमें इंटरव्यू ना हो, उनको लगता था कि मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई उन्होंने 2 बार मेरे को देख लिया था कि मैं पहले ही फेज में बाहर हो जा रहा हूँ, तो एज अ पेरेंट्स वो भी भाई थोड़े से डरे हुए थे कि भाई बार बार बच्चा बाहर होगा उसका खुद जो सेल्फ मोटिवेशन है वो घटेगा, ठीक है, लेकिन मुझे पता था मैं कर लूंगा। तो अपना अगर आपका एक स्ट्रांग रीजन है कि आपको करना क्यों है, आप कर ले जाओ, स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। मेरे हिसाब से इस क्लास में अगर आप लोग में से 2-3 बंदे भी रह गए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, लेकिन आप ही में से लोग निकलेंगे जो एक बार ऑफिसर बनेंगे इंडियन आर्मी में, तो मेक श्योर कि आप वो हो, आप सबको मैं बुलाऊँ आप वो हो, ठीक है, और सबके अंदर पोटेंशियल होता है। आप ही लोग वहीं में बैठता था जहाँ पे वो बैठा लगता, एग्जैक्टली वहीं बैठा था, मेरे साथ अग्रिम संडिलिया सर आए थे यहीं पर, एग्जैक्टली वहीं पर बैठा था जहाँ पे भाई बैठा, ठीक है, इतना मोटिवेशन सेशन था, मेरे को लगा कि ठीक है ये हो गया होगा, आज मैं वही अग्रिम का सीनियर बनूंगा, देखो कितना अजीब सा है ना, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत करना नहीं छोड़ना, कब लक पलट जाए कब चीज़ें पलट जाए वी नेवर नो, सबसे पहली चीज़ मेहनत करते रहना है, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को मनाना ये सब चीज़ें हो जाएंगी, और मतलब बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आती हैं यार लाइफ में, आप बार बार फेल होते हो किसी चीज़ में तो फिर मेंटली बहुत ज़्यादा लो फील होता है, बट फिर वही है कि
अपने आप को उठाना होता है और वही सबसे बड़ा वो होता है। एक एनडीए वाले बंदे में और एक सीडीएस वाले बंदे में डिफरेंस कहाँ होता है पता है? एक एनडीए वाला बंदा मेरे से फिजिकल में जवान से बात अच्छा कर लेगा, बट मेरा कनेक्शन जो मेरे जवान के साथ होगा वो एनडीए वाले बंदा नहीं बना पाएगा, क्योंकि उन लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में उतना पता नहीं होता, उन्होंने इमोशन सुनना देखा नहीं है। दे वर इन लाइक द एकेडमी फॉर 4 ईयर्स, उन लोगों को सिर्फ रगड़ा मिला है, रगड़ा फिजिकल रगड़ा, मेंटल रगड़ा, बट बाहर हम लोग इमोशनल रगड़ा भी खाते हैं, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे इमोशनली हम लोग बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, फिर हम उठते हैं, समझ रहे हो आप लोग? तो ये होता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और आप जितने स्ट्रांगली फेस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर। तो एनी मोर क्वेश्चंस? चलो हाँ, तो कमांड टास्क मेरा सबसे लास्ट में मुझे बुलाया गया, ठीक है? सबसे लास्ट में बुलाया, मेरा जीटीओ अच्छा हुआ था तो सबसे लास्ट में मुझे ही बुलाया गया। तो उस टाइम पे क्या कर रहा था, मुझे उन्होंने ब्रीफ कर दिया और मेरे से दूर चले जाके कॉल पे बात करने लगे। अब मुझे लगा देख ही नहीं रहे, तो मैं उन लोग को अपने जो कमांडर्स आए थे मेरे साथ के, मतलब जो सबऑर्डिनेट्स आए थे, उनको ब्रीफ किया कि ऐसे ऐसे करना है गाइस, लेट्स डू इट। तो मैं करवा रहा हूँ, एक ऑब्स्टिकल मेरे से हो गए, तो मैं सर को खड़ा होकर देख रहा हूँ कि अब क्या करूँ सर, अब बताओ। वो खड़े होकर बात करके आते हैं, वो सब जज कर रहे थे, वो सब कुछ लिख रहे थे, फिर आते हैं, फिर जिस पे मैंने अपना प्लैंक फंसाया था वहां पे उन्होंने वो चीज ही हटवा दी। तो इस तरीके के प्रेशर डालेंगे, डरना क्यों है उनसे? हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी, हड़बड़ी नहीं करनी, वही तो कह रहा हूँ, मारेगा थोड़ी ना वो आपको, देखो आपका एसेसर है वो, कोई ऐसा चीज नहीं करेगा, आप डरना क्यों है? नहीं होगा, थोड़ी देर और सोचो, और सोचो। इवन मैंने 4 सॉल्यूशन दिए थे, मेरे से 8 सॉल्यूशन मांग रहा था, मैंने 4 से 5 दिए, फिर मैंने थोड़ा बहुत और टफ करता गया। मेरे से भी थोड़ा सा बहुत नर्वस हुआ, उसके बाद मैंने कहा कि सर नॉट अवेयर, अब कैसे होगा। उन्होंने मेरे को एक हिंट दिया, जैसे वो हिंट मिला मैंने वो प्लेटफॉर्म वहाँ पे रख के वो सॉल्व करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा ओके हर्ष गॉट यू, यू कैन गो। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, आप इतना समझो कि GTO में जो आपको प्रेशर बना रहा है, अगर वो प्रेशर बना रहा है तो आप रिकमेंडेशन वाले मटेरियल हो, पहली चीज, क्योंकि सब पे वो प्रेशर नहीं बनाता, जल्दी जल्दी भगाता है कि ठीक है भाई हो गया तेरा जब, क्योंकि भाई उन्हें कराना है। अगर आपका प्रेशर बना रहा है तो आप समझ लो कि आपका हो रहा है रिकमेंडेशन, और वहाँ पे प्रेशर मत लेना, कभी भी जिंदगी में प्रेशर मत लेना उनके सामने, क्योंकि उनका काम ही वही है, प्रेशर टाइम पे गोली बारी बरस रही है, आप प्रेशराइज हो गए, कैसे डील करोगे, ठीक है? तो प्रेशर नहीं लेना, एकदम आराम से कामली हैंडल करना है। और एक और चीज़, डरे सब होते हैं, दिखाना नहीं होता चेहरे से, बस एक सबसे बड़ी चीज़, इवन इंटरव्यू से पहले नर्वस सब होते हैं, ऐसा कोई होता है जो नर्वस नहीं होता? सब होते हैं। मेरा इंटरव्यू मेजर जनरल लेते हैं, कमांडेंट ऑफ द बोर्ड, सबसे सीनियर, ठीक है? सबसे ज़्यादा हड़बड़ी थी, क्योंकि मेरे को कॉन्फ्रेंस रूम के होते हुए अंदर जाना होता है, ठीक है? हड़बड़ी थी एकदम कि कैसे होगा कैसे होगा। पहले 5 मिनट में उन्होंने मेरे को कम्फर्टेबल करा दिया, बहुत कम्फर्टेबल, और मैंने पहले ही बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से हो गया मेरा, मतलब ठीक है, अच्छा इंटरव्यू गया था। तो सिंपल सी चीज़ है, उनका काम ही वही होता है, वो आपको कम्फर्टेबल करा देंगे, आपसे हर चीज़ उगलवा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे बाहर आओगे तो अब सोचोगे अरे भाई ज़्यादा बोल गया, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, आराम से प्रिपरेशन करके जानी है, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा, आपको बोलना क्या है इसकी भी प्रिपरेशन करके जानी है, ठीक है? कुछ भी नहीं बोल सकते आप अपने इंटरव्यू में, ठीक है? दूसरी चीज़, GTO का आपने बताया कमांड टास्क, उसमें टेंशन नहीं लेनी, आपको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया लग रहा है लगाओ, अदरवाइज एक स्माइल के साथ बोलो कि सर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, वो समझाएगा क्या ही कर लेगा बाकी, और ठीक है नहीं आ रहा तो फिर नहीं आ रहा, उसमें डरना क्या है, लगाते रहना, बल्ली फट्टा कहीं ना कहीं फिट हो ही जाता है, मतलब पीछे एक सपोर्ट चाहिए होता है, आगे एक कैंटिलीवर बनाना होता है, हो जाता है, उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टैट, देखो 3 टाइप की, सर टाइम भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो टैट में 3 टाइप की स्टोरीज आती है, एक एक्शन ओरिएंटेड स्टोरी आती है, एक नॉर्मल स्टोरी आती है जिसमें आप कोई भी थीम बना सकते हो, और एक आती है मतलब जिसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं होता, देखा होगा आपने, मतलब ऐसे 4 कप रखे होंगे और कोई नहीं है कैरेक्टर में, एक होगा कि मान लो एक्सीडेंट का सीन हो गया। अच्छा, अब आप लोग ये बताओ कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहली चीज क्या करते हो आप? मान लो एक बाइक वाला लड़ गया, ठीक, हाँ, एम्बुलेंस को सबसे पहले कॉल करोगे? देखो सबसे पहली चीज ऑब्वियसली उसको किनारे करोगे, उसके बाइक को साइड में लगाओगे, ठीक, क्योंकि भाई लोग पास हो सके, ठीक है? मीनवाइल सबसे पहली चीज इंजरी कितनी हुई है, अगर कम इंजरी हुई है तो जहां जहां चोट लगे वहां पे आप सबसे पहले कुछ लगा दोगे। लोग घेर लेते हैं जब एक्सीडेंट होता है, सबको साइड करोगे,
कि भाई ठीक है बंदे को सफोकेशन हो सकता है, ये सब एक्शन आप स्टोरी में लिखोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, आप पुलिस को ऑब्वियसली कॉल करोगे, एम्बुलेंस को कॉल करोगे, इनकेस एम्बुलेंस अगर ज्यादा प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग हो रही है तो आप नियर बाई कोई बाइक जा रही है, कार जा रही है, उसको रुकवा के उसी के कार में लेके चले जाओगे। एम्बुलेंस आने तक टाइम नहीं रहता ना कभी कभी।